Hubhopper Originals. एकदा नैमिषारेण ऋषयः शौनकादयः प्रपक्ष सर्वेषु तं पौरिणाकं खलु व्रतेन तपसा किं वाञ्छित् प्राप्ते वाञ्छित् फलं तत् सर्व श्रोतिमिक्षामि कथस्य महामुने। सूत उवाच, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होए तथा मनोवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी विशेष इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपत ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और चार भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे तथा बरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुख को नष्ट करने वाले हैं, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्थिति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए यहाँ पे आए हुए हैं? किस कार्य के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद जी बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हों तो बताइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही यत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले कि हे नारद, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। नारद जी बार बार वंदना करते हैं। इस हब हॉपर ओरिजिनल को सुनने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आप भी अपना पॉडकास्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो हब हॉपर स्टूडियो वेबसाइट पे रजिस्टर करें और एक मिनट के अंदर अंदर अपना खुद का पॉडकास्ट लॉन्च करें। यही नहीं, स्टूडियो देता है आपको पूरी आजादी कहीं भी कभी भी अपना पॉडकास्ट लॉन्च करने की, सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में। तो साथ में अपना पॉडकास्ट शुरू करने के लिए तैयार? जस्ट हॉप ऑन हब हॉपर, सिंपली कॉन्टेंट।